नमस्कार आदाब दोस्तों। 12-13 करोड़ की मट्टी का पैसा निकाल करके और मट्टी उसमें 1 करोड़ की भी नहीं डालना, फॉर्म के साथ खेल हो रहा है कि मजाक हो रहा है, आप फैसला। तुम कितना करते हमारे पीछे पीछे, लेकिन हम तुमको कभी कुछ बोलेंगे। हम कब्रिस्तान में तुम टेंडर लेके तुमने पैसा कमाए, सब गलत है, तुम ही सही हो। तुम इस कब्रिस्तान के अंदर पत्थर डाल दिए। सबको फोन करके बोलते थे कि मेरी मट्टी लेने बोलो, मेरी मट्टी लेने बोलो। तुम्हारे वो जो मट्टी के अंदर पूरे पत्थर थे कि मट्टी लो मट्टी लो, आओ कब्रिस्तान में मट्टी में तुम भी कमाए। जितना पैसा पर ब्रास मिला है मट्टी डालने का, थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर के अंदर हमने जो मट्टी भेजे, अरे दादा हमने तुमको भेजे थे 4 आने में, और तुमको जो मिला है ना वो 100 रुपया मिला है एक ब्रास का। बबलू भाई की ये सारी बातों का आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। ये खास हम गुजरात से लाए हैं। आप मुफ्ती हो, आप उसके लायक ही नहीं हो कि मैं आपको मुफ्ती बोलूं। देखो ये सोशल मीडिया कोई सेफ नहीं है। कोई अगर हमारे कोई आम कार्यकर्ता के मोबाइल लेके अगर उसको सिंक्रोनाइज कर देगा उसको, तो सारा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा कि उसने सीमेंट भरा कहाँ से आई कहाँ से आई। जब एक बाप को तकलीफ जब होती है जब उसके 2 बेटे आपस में इख्तलाफात करते हैं, तो हम सब उनके बेटे की तरह हैं। किसी का बहुत आज व्हाट्सएप है तो किसी का बहुत कल बजबोर था, किसी का भाई साहब था, किसी का भाई, कोई दूसरा दुला नहीं है। सबके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां है, खामियां है कि भी भाई कबर खोदोगे कुछ ना कुछ तो उसके अंदर गंदा निकलेंगे ही। बबलू शमना जिला डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। बॉस एक ही हो सकता है, उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवर साहब, वो एक ही बॉस है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। भैया अगर मट्टी खराब थी तो जवाबदार तो तुम थे। आखिरत में तुमको भी जान जाना है, और तुमने पार्टी के लिए काम किया, कब्रिस्तान के लिए काम नहीं किया। और के तो GCP और ब्रेकर किस लिए लगाए थे, वो क्या कुछ दूसरा काम कर रहे थे? इतिहास तुम्हारे को याद रखेगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूले।